शाबानुल मुअज्जम का महीना है। अभी हजरत फरमा रहे थे कि एक मुबारक रात आने वाली है जिस रात को हम लोग कहते हैं शबे बरात, अब कुछ लोग कहते हैं हलवे वाली रात, ले हलवा की दे हलवा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, हमारी माँ बहनें पूरी रात हलवा बनाने के चक्कर में गुजार देती है, बोलती खुद यार पापा को चना का हलवा बड़ा अच्छा लगी, हाँ खुद याग बाप खूब खाई जी, मुँह हम दान नहीं जी लेकिन खाई जी हलवा खाई जी, यह अलग घी दा के बनावे जी, चना का हलवा, बेसन का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, ले हलवा, घरम हलवा, ओसराम हलवा, अगनाम हलवा। बताइए भाई हलवा का कोई तस्करा है? अच्छा कोई किताब में है हलवा, हलवा के बारे में कोई किताब में है? किसी उलमा से सुने भाई हलवा आया कहाँ से, आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या है? और भाई अच्छा खाना बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह खाओ घर में, वो तो सब दिन बनाते हैं लोग बनाते ही है, लेकिन हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। उस रात जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। अब हमारी माँ बहनों को, हमारी माँ बहनों को समझाए कौन? अब ज्यादा समझाइएगा तो बोलेगी ओ नया नया मौलवी जी, हमरा सनी बहुत पहले से करी गावे छी, ई मौलवी सनी नया नया पढ़ी गेली, इसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं ना, ज्यादा बोलवा खाना बंद करी। तो एक आलिम साहब दमिश्क की मस्जिद में खिताब कर रहे थे कि नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, रोजा रखोगे दो चार शैतान पीछे पड़ जाएगा, हज का इरादा करोगे दो चार शैतान पीछे पड़ जाएगा, लेकिन जब सदका की नीयत करोगे, सदका करने निकलोगे तो 70 शैतान पीछे लग जाता है। कितने शैतान लगते हैं भाई सदका करने वाले के पीछे, कितने शैतान लगते हैं? तो ये आलिम साहब ने कहा कि है कोई ये नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, कोई है? ये एक नौजवान खड़ा हुआ बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, वो उठले गेले घर खोल के आटा बोरा निकाल के झोला में, देखे शैतान हमको कैसे रोकता है, आज हम आटा का सदका करेंगे। आज जैसे ही आटा लेके घर से निकल रहा था बीवी आके खड़ी हो गई, बोली कहाँ जे जाए, बोले सदका करेगी, बोलियो घर हम तो कुछ आने जाने आ रख लो आटा के ले जाके सदका करवा, चुपचाप मार के आटा रखी मन, बोले जाकर रख ली, आकर के चुपचाप मार के जलसे में बैठ गया। तो एक आदमी ने पूछा कि शैतान को हरा दिए, शैतान को तुमने शिकस्त दे दिया? बोला कि भैया शैतान को तो हम हरा दिए थे लेकिन शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई, शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई, इसलिए हम शैतान से हार गए, शैतान ने मुझे शिकस्त दे दिया। तो मेरे भाइयों हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी यहाँ ही हैं, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते तुम्हारे लिए चार बातें हैं, औरतों के लिए कितनी बातें हैं भाई बोलो भाई, चार बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हव्वा की बेटियों जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ, ये चार काम दुनिया में कर लो, चार काम दुनिया में कर लो, आवाज टकरा रही है, दुनिया में चारटे ही काज करे लो, चारटे ही काज करे लो दुनिया ते, चार काम मेरी माँ बहनों चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ, सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह। बताएंगे जाकर अपनी माँ बहनों को बताएंगे भाई, बताएंगे ना इंशाल्लाह। औरतों को चार काम करना है दुनिया में, चार काम करना है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में हमारी माँ बहनें दाखिल हो जाए। तो जाएगा एक आदमी को 4 बेटा था, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया, जाहिल अखर जाहिल लिखा, जानते हैं ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का कुरान आदमी पढ़ने जानता था, बाप का आखिरी वक्त आ गया, मरने लगा, रोने लगा, तो बेटों ने कहा कि बाबा ते कने का नहीं जा, तो बाप बोली कि बेटा हम सिर्फ दौलत कमाए,
आखिरत नहीं बना पाए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा। सोना चांदी तो मैंने कमाया लेकिन कब्र के लिए तैयारी नहीं कर पाए, ना कब्र के लिए ना हशर के मैदान के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? डर लग रहा है बेटा मेरे, डर मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक वसीयत है मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि अब्बा बोलिए तो सही क्या वसीयत है। कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे पल्ले तो कुछ अमल है नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना जकात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ नहीं है बेटा। हम कुछ किए ही नहीं दुनिया में। तो बेटा किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर ना कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदके में मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो बेटों ने वादा किया कि अब्बा एक वसीयत क्या, अगर 10 वसीयत भी आपकी होगी तो पूरी करेंगे, इसलिए कि आपने हम लोगों के लिए दौलत इकट्ठी की है। बाप इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। मरने वाला मर गया, बेटे जमा हुए, रिश्तेदार आए, नहलाया धुलाया गया, जनाजा पढ़ा गया, कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया। चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि अब्बा मर गया है, वसीयत के मुताबिक किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना है। तो 3 बेटा बोला, छोटे भाई से बोला कि सुने ज्यादा परेशान मत हुए, बाबा मर ले गए, अब वो जाने कब्र जाना है, टेंशन मत ले, अपनों अपनों काम करें। हम कहां ढूंढने जाएंगे भाई हाफिज कुरान कौन है, मर के तो देखो ना, कौन किसको याद करता है भाई, मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? ये घर वाले 2-4 दिन रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, दुआ हुआ होगा तो करवा देगा, 6 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर तक याद रखेगा, फिर उसके बाद कौन थे आप, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं। ये इतनी बड़ी जालिम दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये धोखे की दुनिया, निकलो दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ। छोटा बेटा ना बोला कि नहीं आप लोग मत जाइए लेकिन हम जाएंगे, पूर्णिया में हाफिज नहीं मिलेगा, हम कटिहार चले जाएंगे, सुपौल चले जाएंगे, मधेपुरा चले जाएंगे, दरभंगा चले जाएंगे, जहां मिलेगा लग पकड़ के लेंगे। निकल गया, सुबह हुई निकल गया, चला गया मधेपुरा, देखा एक बाबा गली में भीख मांग रहा था, कुर्बान जाओ, ए बाबू, ए बेटा, ए, अरे बैठ जाओ बाबू, ए इसको देखिए, हई लगना हई, अच्छा अच्छा अच्छा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोली है हम बोले बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली मौली साहब बहुत जोर से लगल समरा, हम लोग बैठो, जवान आदमी बर्दाश्त करो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हम कहे कहन जाएगा, बोले की करेल जी, वो जे करेल जय ला लिया है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं। हाँ उसको जाने दिया, अच्छा किया। छोटा बेटा चला गया, निकला निकला मधेपुरा चला गया, एक बाबा से मुलाकात हो गई, बाबे से मुलाकात हो गई, भीख मांगने वाले से मुलाकात हो गई, कहा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा ने कहा कि बेटा बात क्या है,
कहा कि मेरा अब्बा का, मेरे अब्बा की वसीयत थी मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बोला कि मेरा घर पूर्णिया। तो बाबा ने कहा कि पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला, बोला कि ला यही तो मुसीबत है, अगर पूर्णिया में कुरान पढ़ने वाला होता तो हम मधेपुरा कहे के लिए आते। तो बाबा सोचने लगा कि रे बाप, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, जब पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है तो कहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए, अरे गलती कोई पकड़ लेगा, जब कोई जानता ही नहीं तो पकड़ेगा कैसे। बोला बेटा समझो परेशानी दूर तुम्हारी, बोला कैसे, बोला कि हम हाफिज कुरान भी हैं कारी कुरान भी हैं। अब पक्का जाहिल था, बड़ा खुश हुआ, पकड़ के घर ले आए, बोला पढ़े, बोला यहां मत पढ़िए कब्रिस्तान में पढ़िए मेरे अब्बा का कब्र बैठ। बोला ठीक है जाओ तुम घर जाओ, बोला नहीं घर नहीं जाएंगे, मेरे सामने पढ़िए। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। लड़का बोली मुझे बड़ा अच्छा पढ़ी। दूसरा भाई भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, बोला कि छुटका ला सकता हम नहीं ला सकते, वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, घर लाया खाना पीना खिलाया, बोला पढ़े, बोला यहां मत पढ़िए मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। बोले वाह वो हाफिज साहब है, बोला अच्छा वो हाफिज साहब होगा, जितना हमको मिलता है आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये गया ये लंबा कुर्ता लंबी दाढ़ी लंबी टोपी, वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया, ये लागे जी असली आ भाई ना, ये असली था ना वो असली था। बस जाके ये बैठा, सलाम दुआ हुई, बैठा दोनों भाई खड़ा है कि पढ़िए आप लोग। बोला बस उतरा सी घर जो हमारी पढ़ते रहे वो, बोला नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला बोला कि असली है कि नकली है पता कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू। हाँ हाँ मेरे भाइयों, तीसरा भाई वो भी गया एक जाहिल को पढ़ के लिया, तीसरे कोने में बिठाया। चौथा भाई कहाँ मानने वाला था, बोला कि तीन ला सकता है तो हम बाप का बेटा नहीं, हम भी तो ला सकते हैं, वो भी भागा गया एक जाहिल को पकड़ के ले आया। चारों को चार कोने में बिठाया, बोला अच्छा ये बताइए आप लोग बाबा के जन्नत पहुँचाऊँ कितना दिन लगता। तू रात निकल की बेटा जन्नत बहुत दूर छी, कम से कम 2 महीना लग तू। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा की जन्नत ऐसी बाहर मत छोड़िए। दो आदमी हाथ पकड़िए, दो आदमी पैर पकड़िए, मेरे अब्बा को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिए, कुर्बान जाओ। पहला पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। तो तीसरा समझ गया कि ये दोनों 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 पक्का जाहिल। वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझ गया कि तीनों पक्का जाहिल। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़ कर सब को जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़ कर सब को जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई कब्र बनाएंगे भाई, अपनी आखिरत बनाएंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ मैं दुआ करूंगा। कबूलियत की घड़ी है, शाबान उल मुअज्जम का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। ओ बड़ा मुबारक महीना है, शाबान उल मुअज्जम का महीना है। आज मेरा दादा कहाँ है चला गया, परदादा कहाँ है चला गया, लक्कर दादा कहाँ है चला गया। एक बात याद रखना मेरे भाई हो, इस दुनिया में आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं है। इस दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ये है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता भी जियो, पोता नहीं।
लेकिन कुर्बान जाओ इस दुनिया से जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रीत नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। ये 15 बच्चे हाफिज कुरान बने। तो मेरे भाइयों जानते हो ये कौन है? एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का हाकिम उसको बनाए और फरमाया कि मुआज यमन के लिए रवाना हो जाओ। तो हजरत मुआज अपने घर से निकले तो अल्लाह के रसूल पहुंचे हुए, कहा कि मुआज सवारी बैठाओ। ऊँट बैठाया गया, हजरत मुआज ऊँट पर चढ़ गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊँट को खड़ा करो। इशारा किया, ऊँट खड़ा हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊँट के रस्सी को पकड़ा, चलते चले। अल्लाह के रसूल जमीन पर चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊँट पर खड़े, ऊँट पर बैठे। तो हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊँट पर जाऊँ, ये बेअदबी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो अल्लाह का कौन होता बोलिए, वो अल्लाह का कौन होता बोलिए। हाँ, तो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा भाई, करेगा कि नहीं करेगा। तो कितने लोग इसको दोस्त बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, सारे लोगों ने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज्जम का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है अपने माँ बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, इन बच्चों को ये जानते कौन है? ये कौन है? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये विराटनगर में एक मदरसा बना तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मशवरा किया, यो एक एक मौली सबक ला ला, पांच टा मौली जी पांच आदमी खाना के जिम्मेदार ला ला। एक मास्टर साहब रहे, बोले तो ला ला, बोले नहीं हमारे घर जिम्मेदार नहीं, मियाँ जी, मियाँ पूछे लगती, बोला जा पूछो जा। अम्मा उसकी बहुत बददिमाग माँ थी, बड़ी बखील बुढ़िया थी। गेले पूछे ली, अम्मा ये मौली साहब और खाना बोली जी वहां। तो माँ बोली चुपचाप खबरदार, मौलवी का नाम मत लेना। मास्टर साहब चुप है, बोले नहीं नहीं होगा। एक महीने के बाद उसी बुढ़िया का पोता थाल में खीर लेके आया। कपड़ा मौली साहब उठल के मदरसे में, वाह काजू किशमिश नारियल गरी खुशबूदार खीर। तो हजरत ने पूछा कि रे बेटा इतनी अच्छी खीर कहाँ से लाए? थोड़ा सोटा खाया, बोला हमारी दादी बिदल कौन से। तो मौली साहब ने कहा तुम्हारी दादी इतनी बखील, आज इतनी अच्छी खीर कैसे दे दी? एक टाइम का खाना नहीं खिलाती थी। तो बच्चा जानते हैं झूठ नहीं बोलता है। बच्चा झूठ बोलता है बोलिए, बच्चा हमेशा सच बोलता है। तो बच्चा बोला कि मौली साहब दरअसल बात यही है कि पूर्णिया से मेरे घर मेहमान आने वाला था, मेरी दादी उन्हीं के लिए खीर बनाई थी और खीर बना के वो सारे में रखी थी, वो मेरे आंगन में जो कुत्ता है ना वो मुंह दे दिया था। तो मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कने फेंक दे, मदर साहब दादा बोली साहब खेलते को हकीर ना जानो, कसम खुदा की आज तो ये आलम है। अगर बच्चे मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये मदरसे हमारे रहेंगे नहीं, तो कल को जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये बच्चे रहेंगे नहीं, हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? बेटी की शादी कराओगे निकाह कौन पढ़ाएगा? तो आपने वादा किया है कि ये इन हाफिज कुरान को हम दोस्त बनाएंगे। मुझे इस मजमे के अंदर में अपने माँ बाप के लिए भी जिसका बख्शिश का मगफरत का इनको जरिया बनाओ। कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज्जम का महीना है। इनसे जुड़ जाओगे, नियत कर लोगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, आप ये अमल नहीं कर सकते, अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना सकते। एक अमल है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। 15 बच्चे हुए हैं और 15 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। एक बच्चे को एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च एक महीना का कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई? अरे बोलो भाई, 500 महीने कितने हुए?
महीने के 500 रुपये, साल के कितने हुए? 6000। 6000 हुए, 6000 हुए। 2 साल के कितने हुए? 12000 हुए। 3 साल के कितने हुए? 18000 हुए। 3000 छुट्टियों के निकाल दो, 18 में 3 निकल गए, कितने बचे? 15 बच्चे। 3 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है। आओ 15000 रुपए दो, हम 10 दुआ करेंगे अपने माँ बाप के नाम पर, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। नियत कर लोगे, अल्लाह कयामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। यही बच्चा कल कयामत के दिन शायद शायद अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, तुम्हारे हाथों को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल हो। इसलिए कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा, 10 आदमी को लेकर जाएगा। है कोई नौजवान इस मजमे के अंदर में, कोई सखी है, कोई पैसा वाला, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, माँ का चहिता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, मैं 10 दुआ करूंगा। ये हजारों लोग दुआ पर आमीन कहेंगे। 15000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अच्छा, मुझे एक बच्चे का खर्च चाहिए। आप 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा का भी खर्च बना। ओए मुखिया मसीहुर रहमान साहब, नारे तकबीर। नहीं इरंग नारा नहीं, मिस कॉलोक से नारा मत लगाओ। एक बात याद रखे, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। की नहीं मारी बोलो? अग्नि देखियो सब एक उठे थी हाथ। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तुम, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखला डरो से सब उठे। हाँ हाँ, ये मुखिया मसीहुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सखी आदमी है ये। मैं मुखिया साहब से गुजारिश करूंगा, इंशाल्लाह एक शरा हम 10 दुआ का वादा किए हैं, मुखिया जी के लिए हम 11 दुआ कर देंगे। कितना दुआ कर देंगे? हाँ, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, एक बाबा फकीर बैठा हुआ था, वो फकीर बोला इधर खाना नहीं खाए 10 टका दे दो। ये आदमी बखील था, बहुत बखील था। वो बाबा छोड़ ही नहीं रहा था कि नहीं पैसा दिया बगैर छोड़ेंगे। वो 10 टकिया था जेब में निकाल के ये बकील उसको दे दिया। तो बाबा बोला कि मांग, मुझसे क्या मांगता है? ये बकील बोल लीजिए 10 टकिया लोन भर दादा। हाँ, हम मुखिया मसीहुर रहमान से गुजारिश करेंगे, एक बच्चों का खर्च मत लीजिए आप। अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है। ये हजारों लोग दुआ करेंगे, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल दे। कम से कम 2-3 बच्चों का खर्चा आप उठाए इंशाल्लाह। मैं दुआ करूंगा 2 कम से कम 2 बच्चे। ए हाथ उठाया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह, मुखिया मसीहुर रहमान साहब ने 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह उनके दान को ताउन कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में ओहदे में इज्जत में बरकत में अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अमीर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई। अब मेरे भाई 5 आदमी जुड़ो। अभी हमारे मुखिया मसीहुर रहमान है रहमान साहब ने 2 बच्चों का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी है दूसरे नंबर पे कोई सखी है 15000 रुपए ताउन करने वाला, 15000 रुपए देकर एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाने वाला, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। आजाद आलम साहब 2 बच्चे खर्च। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंजीनियर आजाद आलम साहब, हमारे इंजीनियर जनाब मोहम्मद आजाद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 2 बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हमारे इंजीनियर साहब के इस दान को कबूल फरमाए। बरहरी, माशाल्लाह बरहरी के रहने वाले हैं। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में, या अल्लाह उनके ओहदे में इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालदेन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, है तीसरा कोई अल्लाह का शेर? तीसरा, एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजी बोला? डॉक्टर उगरा अल्लाह हाँ भेज दी जो झमेले खत्म। हाँ हाँ भाई, तीसरा कोई अल्लाह का शेर है?
15,000 रुपए खर्च करने वाला, एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा कोई सखी, है तीसरा कोई नौजवान है 15,000 रुपए देने वाला, ऐसा कोई मुझे 5 आदमी चाहिए भाई। आप हसनैन साहब, एक का हुआ, अच्छा 15 एक बच्चे का, मौलाना हसनैन साहब, मोहम्मद हसनैन साहब, नारे तकबीर। मोहम्मद हसनैन साहब एकव्वा के रहने वाले हैं, एक बच्चे का खर्च उठाया, अल्लाह हसनैन साहब की इस दान को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी ईमान अमल में खेत में खलियान में बरकत दे, अल्लाह उनके भी वालदेन को कर बरकर व जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कौतो जन होलो हाजी आबिद साहब बढ़री, ए नारे तकबीर। हाजी आबिद साहब दामद बरकात हम बरहरी, उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया, अल्लाह हाजी साहब की इस दान को ताबुन कबूल फरमा ले, माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में बरकत अता फरमा दे, उनके माँ बाप को कर बरकर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। एक आदमी और उठ गया माशाल्लाह, वह देखिए अच्छा इंशाल्लाह भाई, 4 जन हो गए लो माशाल्लाह, 4 जन हो गए लो, ए दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ की उंगलियां 5 हैं, 5वें नंबर पे कोई एक और सखी खड़े हो जाओ, कोई एक नौजवान खड़े हो जाओ, कोई एक माँ का चहिता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा खड़े हो जाओ, है कोई 5वां नंबर इंशाल्लाह। एक बच्चे का बरहरी के मोहम्मद शादा, ये मोहम्मद शमशाद साहब, हाय हाय हाय, नारे तकबीर। अररिया मेडी को माशाल्लाह मोहम्मद शमशाद साहब आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह बरहरी के रहने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह इस नौजवान की सहाबत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस नौजवान के कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उम्र में दाने दाने में बरकत दे, इनके वालदेन को कर बरकर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन। आरिफ साहब पोखरिया के, एक बच्चे खर्च, माशाल्लाह हाजी आरिफ साहब पोखरिया के, कत जन होलो, 6 जन हो गेलो, हम कितना आदमी मांगे थे भाई, अब 6 हो गया, अब 10 फिर पुराना होगा। हा हा हा, तो जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, कई दरवाजे हैं बोलिए, अल्लाह 7वां दरवाजा जहन्नम का बंद कर देगा, 7 नंबर में कोई, 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए, मुस्तफा मुस्तफा बोलो। मोहम्मद मुजीब साहब उप मुखिया है, पतलवा के रहने वाले हैं, 2 बच्चों का खर्च उठाया, अल्लाह अल्लाह उप मुखिया साहब के स्थान को ताबुन कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी ईमान अमल में खेत में खलियान बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उनके वालिदैन को करम करम जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, अरे बोलो सल्ले अला, बोलो 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 बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। माशाल्लाह 7 जन हो गेलो, कत जन होलो, 7 जन होलो, जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। बस ये काम माशाल्लाह, नारे तकबीर। डॉक्टर अब्दुल वारी साहब बरहरी के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक बच्चे का खर्च उठाया, अल्लाह डॉक्टर अब्दुल वारी साहब की इस दान को ताबून कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी ईमान में, हजरत वहां वो देखिए, डॉक्टर महमूद आलम साहब, एक बच्चे, कितने बच्चे खर्च है, एक बच्चे, नारे तकबीर। ए डॉक्टर महमूद आलम साहब, ए देखिए 10वां भी आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई 9 हो गए,
नौ हो गए। डॉक्टर महमूद साहब की उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में बरकत दे या अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नत में फिरदौस आला साहब। एक नौजवान उधर खड़ा हुआ दसवां भी आ गया है, देखिए हजरत वो देखिए मोहम्मद एहसान साहब दरियापुर के रहने वाले हैं, एक बच्चे का हक है। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। दाई हलीमा लेके बोलिए बलैया। अल्लाह के रसूल जब पैदा हुए दुनिया में सब दाई आती थी, यतीम देखकर चली जाती थी, वो क्या मिलेगा। जब दाई हलीमा आई उस बच्चे को उठाई गोद में, आहा। अगर आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी का ये शेर सुना दें भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह। दाई हलीमा लेके बोलिए बलैया, माशाल्लाह। ए नारे तकबीर बेलगच्छी के।